जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जमुई। जहाँ भारतीय किसान की हालत काफ़ी ख़राब है और आप समाचारों में देखते रहते होंगे कि भारतीय किसान के साथ किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे अन्नदाता आज अन्न उगाकर के भी काफ़ी जो है गरीब है, काफ़ी परेशानियां झेल रही हैं। वैसे में सरकार द्वारा अगर कुछ सुविधा मुहैया भी कराया जाता है तो उन तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसा ही एक मामला जो है जमुई के अड़सार गाँव से आया है। वहाँ के पूर्व मुखिया ने खेती के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का खंभा उखाड़ दिया है, जिसके लिए जो है जमुई के पूर्व प्रत्याशी शमशाद आलम जी उस मामले में बिजली विभाग में आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है मामला। सर, क्या मामला है ये अड़साल का जो पूर्व मुखिया द्वारा बिजली का पोल उखाड़ दिया गया है, उसका मामला है? सबसे पहले आपको सभी चैनल का धन्यवाद जो आपके यहाँ से। दो दिन पहले मुझे गाँव से फोन आया, सारे लोग का कल आया, मैं कल खुद जाके देखा, वहाँ पर पॉल को, दो पॉल को तोड़ दिया गया है। सरकार का योजना है कि पटवन करने के लिए सबको दिया जा रहा सप्लाई का फैसिलिटी, वहाँ पॉल लग गया था, वहाँ पर मुखिया जी जा करके अपने जन के साथ दोनों पॉल को तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर किसान जो है मोरी का काम, मोरी गिरा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ लगाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर अब तो चलेगा ही नहीं, तो उस कारण से हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आए आवेदन देने के लिए। और ये सब लोग आए सब मिलकर के अपनी परेशानी को करने के लिए कि जा करके वहाँ पर पॉल देखिए, आप पॉल वहाँ लगा करके सप्लाई देने का काम कीजिए, जिससे किसान वहाँ पर अपनी फसल उगा सके और रोपा का काम कर सके, क्योंकि ये परेशानी उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार का योजना है। आपको हक किसने दिया पॉल तोड़ने के लिए? पॉल आप नहीं तोड़ सकते। अगर आपको परेशानी था आप आकर के आवेदन देते कि मेरे जमीन हो या किसी चीज़ का परेशानी, उस पॉल को हटा दिया जाए। आप जोन और ताकत दिखाने के लिए काम करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। और हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोले हैं इस पर अविलंब कार्रवाई करें, अकर करके पॉल का फैसिलिटी दे, ताकि करके किसान वहाँ पर अपनी काम कर सके। अगर यहाँ पर सेक्शन नहीं हो जाती है इसके आगे भी हम सब जाएंगे। मेरी उम्मीद है, मेरी बात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हुई, वो सीधे बोले कि शमशाद जी हम इस पर बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करते हैं और पॉल लगाते हैं, क्योंकि सरकार का योजना है, पॉल थोड़ा है तो गलत है। सर, किनके द्वारा ये खंभा उखाड़ा गया है? देखिए, गांव के लोग तो सारे लोग बताए हैं कि ये मुखिया खुद जा करके वो अपने मजदूर के साथ जा करके तोड़वा के दोनों कर को गिरा दिया गया है। तो आप बता सकते हैं कि आप प्रतिनिधि हो करके इस तरह का जोम वाली काम कीजिएगा तो आप जानते हैं कि शमशाद आलम किसी का बर्दाश्त नहीं करेगा। हक की बात होगी तो हम उठाते रहेंगे, जब तक आप किसान को नहीं दीजिएगा तो ये बहुत बड़ा गलत होगा। आप इन सबसे भी पूछ सकते हैं कि कौन तोड़ा। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, देखिए भारतीय किसान की हालत काफ़ी ख़राब है, ये तो सर विदित है, सब जानते हैं, पर ऐसे में अगर ये खंभा उखाड़ दे रहा है और बाधित कर दे रहा है बिजली को, जैसे सिंचाई की समस्या होगा, तो ऐसे लोगों पर आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं विभाग से? देखिए, अभी तो हम चाह रहे हैं कि साधन से वहाँ पर पॉल लग करके जो लाइन का कनेक्शन चालू हो जाए, अन्यथा अगर नहीं होता है तो इसके आगे जा कर करके हम DM साहब से, जिलाधिकारी और SP साहब से सभी को आवेदन देंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है SDO साहब से भी कि इस पर कार्रवाई करेगी, SKT इंजीनियर से हम सहमत है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। आप इन सबसे भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ है। मोहम्मद शहबाज, तो क्या समस्या है आपके गांव में? वहाँ पे समस्या ये है सर कि जैसे लाइन जो गया है 11,000 लाइन का जो तार गया उसको ये लोग तोड़ दिया है, कल जाके मुखिया जी तोड़ा है, मुखिया जी के पति है वो तोड़ दिया है कल जाके। उसके लिए अभी क्या हो सकता है, वहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे जानवर चराने वाला लोग, आने जाने वाला लोग, जानवर को भी क्षति होगा, क्योंकि 11,000 का वोल्ट गया हुआ है। कोई भी शरारती तत्व जो है उस चेंजर को अगर उठा देगा उसके कारण वहाँ पे किसी भी टाइम दुर्घटना हो सकता है। ये लोग अगर उसके ऊपर जल्दी जल्दी कार्रवाई नहीं करेगा तो कुछ भी दुर्घटना वहाँ पर हो सकता है। क्या नाम है उनका जिन्होंने बिजली के खंभा उखाड़ा है? जो जिसका उनका नाम है मोहम्मद इरफान। आपका भी वहाँ पे खेत है जहाँ पे? मेरा भी पटवन वहाँ पर, मेरा भी बोरिंग है वहाँ पर भी आता है, हम लोग का भी पूरा मतलब मेन लाइन को काट दिया गया, ठीक है ना, वहाँ से दूसरे गांव में भी जा रही है सप्लाई।
उसको भी बाधित किया गया है। मैंने खुद जाकर के वहाँ पर देखा हूँ, वहाँ पे क्या है ना, ट्रांसफार्मर से एक पोल इधर गिरा दिया गया है और एक पूरब गिरा दिया गया है, समझे ना, दोनों साइड से मतलब कि आइसोलेट कर दिया गया है। अभी हम लोग को मोरी गिराने के समय, अभी हमारा टाइम जो है दिन प्रतिदिन डिले होता जा रहा है, डिले होने के कारण हम लोग को धान रोपने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग ने किसी को मतलब कि कुछ नहीं, हम लोग संसार साहब से बात किए कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग इसका कुछ मसला का हल निकालिए, नहीं तो फिर हम लोग से जो होगा हम लोग कर सकते हैं, कंप्लेन करेंगे आगे जा करके। तो संसार साहब ने बोले कि आप आइए, हम बैठ करके इसका मतलब मसला हल निकालेंगे, बात करेंगे इंजीनियर साहब से, आज ही कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हिलाल अली। घर आपका कहाँ है? क्या है उससे, क्या किसानों को क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या? बहुत सारा समस्या हो सकता है। अभी अभी जो है इसका मोरी का सिंचाई होगा और बारिश हो रहा है, सूखा में जो है हम लोग मोरी गिरा नहीं सकते। अभी हम लोग को पटवन करके ही मोरी गिराना है, तो अभी हम लोग के पास कोई साधन नहीं है, हम लोग उसका कंज्यूमर है, किसान है। तो लास्ट टाइम हम लोग को तो मोटर लाइन का ही जरूरत है ना, अब जो मुखिया ऐसा काम किया है जो गिरा दिया तार, तो हम लोग कैसे सिंचाई करें? तो कौन है, क्या नाम है उनका जिन्होंने तार गिराया? तो मुखिया जो अभी गाँव के मोहम्मद इरफान। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद महबूब हुआ। घर कहाँ आपका? मेरा घर अस्पताल है।